दिल्ली और रांची में भाजपा का डबल इंजन किसानों और आदिवासियों का जीवन आसान बनाने का काम कर रहा है। यहां के सभी किसान और खेती से जुड़े आदिवासी परिवारों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सीधी मदद जमा की जा रही है। इसके साथ साथ छोटे किसानों के खाते में राज्य सरकार की तरफ से भी 5000 से 25000 रुपये तक अतिरिक्त दिया जा रहा है। वरना आपके पड़ोस में जहां भाजपा की सरकारें नहीं हैं, वहां की स्थिति आप देख लीजिए। वहां किसानों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़ों के साथ झूठे वायदे करके कांग्रेस और उसके साथी दलों ने सरकारें तो बना ली, लेकिन अब वादा पूरा करने से दूर भाग रहे हैं। उन राज्यों में झूठ बोल करके कांग्रेस वाले बैठ गए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा है। साथियों, झारखंड ये भली भांति जानता है कि कांग्रेस जेएमएम की राजनीति छल और स्वार्थ की राजनीति है, जबकि भाजपा कर्म और सेवा भाव से काम करती है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब हम आपके बीच आए थे, यहां अर्जुन मुंडा जी आपके पास आए थे, तो हमने आपके सामने कुछ संकल्प लिए थे। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ सभी किसान परिवारों को देने का संकल्प था। ये वादा हमने पूरा कर लिया। छोटे किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा देने की बात कही थी, ये वादा भी पूरा कर लिया गया। बल्कि इन योजनाओं को भी यहीं झारखंड से ही लॉन्च किया गया था। पशुओं को मुंह और खुर की बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण का अभियान भी शुरू हो चुका है। आदिवासी क्षेत्रों में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने का राष्ट्रीय अभियान भी यहीं झारखंड से शुरू किया गया है। नक्सली हमलों में शहीद होने वाले पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का अहम फैसला भी लिया जा चुका है। इसका लाभ झारखंड में शहीदों के परिवारों को भी मिलने लगा है।